हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। आज मैं आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के बारे में बताने वाली हूँ। दिस इज नथिंग बट वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो ये एप्लीकेशन हम स्टैक की मदद से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके रूल्स क्या है, ये सब चीजें मैं आपको आज के सेशन में बताने वाली हूँ। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशन हम स्टैक की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है रिवर्सिंग द डेटा। तो अगर हमें डेटा रिवर्स करना है, वो डेटा कौन से भी फॉर्म में हो, या अगर डेटा स्ट्रिंग्स में है तो वो भी हम रिवर्स कर सकते हैं, इंटीजर डेटा भी हम रिवर्स कर सकते हैं, और एनी टाइप ऑफ डेटा हम रिवर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक। द सेकेंड एप्लीकेशन इज पैरेंथेसिस पार्सिंग। मैचिंग ऑफ द पैरेंथेसिस ये भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक। फंक्शन कॉल्स, वो अगर फंक्शन कॉल्स सिंपल फंक्शन कॉल्स हो, यानी कि एक फंक्शन में से दूसरे फंक्शन को अगर कॉल करना है तो वो कॉल्स, और अगर रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स है तो वो फंक्शन कॉल्स, इन सभी के लिए स्टैक यूज होता है। ये सभी एप्लीकेशन मेरे पहले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं। वहां पे मैंने एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किया हुआ है और वो कैसे वर्क होते हैं वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और एक एप्लीकेशन है जो है एक्सप्रेशन कन्वर्जन। ये भी हम स्टैक की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें हम इनपुट एक्सप्रेशन सपोज इनफिक्स फॉर्म में लेते हैं तो वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं पोस्टफिक्स फॉर्म में और प्रीफिक्स फॉर्म में। ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए रूल्स क्या है, वो भी मैंने अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। दो अलग वीडियोस है, एक इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन के लिए है और दूसरा वाला इनफिक्स टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कन्वर्जन के लिए है। दोनों वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि how we are going to use stack for the expression conversion। अभी जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एप्लीकेशन है एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। अभी यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन पे फोकस करने वाली हूँ। उस पे भी मैं ज्यादातर फोकस करने वाली हूँ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन पे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेप हमें फॉलो करनी है फॉर एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। अगर वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में है, पोस्टफिक्स फॉर्म में है, तो हमें कौन कौन सी रूल्स फॉलो करनी है जिससे हम वो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमें एक एक कैरेक्टर देखना है, स्कैन करना है। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें एक एक करके स्कैन करना है। उसके बाद हमें एक डिसीजन लेना है कि जो कैरेक्टर हम जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं वो कैरेक्टर ऑपरेंड है या ऑपरेटर है। अगर वो ऑपरेंड है तो वो हमें पुश करना है स्टैक पे, पुश इट ऑन टू द स्टैक। और अगर ये ऑपरेंड नहीं है, मतलब कि वो ऑपरेटर ही होगा, तो अगर वो ऑपरेटर है तो हमें साइमल्टेनियस 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। उसमें से पहला स्टेप है वी नीड टू परफॉर्म 2 कंसेक्यूटिव पॉप ऑपरेशंस। इसका मतलब है 2 पॉप ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं ऑन टू द स्टैक। वो 2 पॉप ऑपरेशंस क्यों करने हैं? क्योंकि जो ऑपरेटर स्कैन किया हुआ है वो ऑपरेटर होगा बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड लगेंगे। सो वो दो ऑपरेंड हमें ये दो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मिल जाएंगे। अभी ये दो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें क्या करना है, तो वो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा। जो हम दो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, उसमें से जो पहला एलिमेंट पॉप होगा आपकी स्टैक से, वो हमारा बन जाएगा सेकंड ऑपरेंड और दूसरा ऑपरेंड, और जो सेकंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो वो जो ऑपरेंड पॉप होगा स्टैक में से, वो हमारा बन जाएगा फर्स्ट ऑपरेंड। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये सभी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगी इन डिटेल इन द एग्जाम्पल। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो स्टैक है, वो स्टैक हम यूज कर रहे हैं ऑपरेंड को स्टोर करने के लिए, और अगर ऑपरेटर होगा तो हमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वो भी एक पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने से हमारा काम नहीं होगा। हमारे काम के लिए, मतलब कि इवैल्यूएशन के लिए, हमें दो ऑपरेंड लगेंगे, इसलिए हमें दो कंसेक्यूटिव पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, जो कुछ भी रिजल्ट जनरेट होगा, जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन अभी परफॉर्म किया हुआ है इन स्टेप 3.3 में, उसके बाद जो कुछ भी रिजल्ट जनरेट होगा वो हमें रिजल्ट पुश बैक करना है स्टैक पे। तो फॉर ऑल दीज थिंग्स हमें क्या करना है, तो हमें स्टेप 1 टू स्टेप 3.4 रिपीटेडली परफॉर्म करने हैं। सो जब हम ये स्टेप 1 to 4 रिपीटेडली परफॉर्म करेंगे तो हमें चेक करना है कि हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन खत्म हुआ है या नहीं। अगर हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन खत्म हो रहा है, उसी टाइम हमारे स्टैक में एक सिंगल वैल्यू रहेगी। वो सिंगल वैल्यू इज नथिंग बट आवर रिजल्ट। सो वो जो सिंगल वैल्यू हमारी है स्टैक में, वही हमारा रिजल्ट होगा, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का रिजल्ट होगा। तो चलो अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हम देने वाले हैं, स्टैक में क्या क्या रखने वाले हैं, कैसे पुश पॉप ऑपरेशन करने वाले हैं, वो ये स्टैक पे करेंगे और एट द एंड उसका इवैल्यूएशन भी करते जाएंगे। तो हमारा ये है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अभी जो पहला कैरेक्टर हम स्कैन कर रहे हैं वो है ऑपरेंड, तो ऑपरेंड है इसलिए मैंने वो स्टैक पे डाल दिया। नेक्स्ट 3 भी हमारा ऑपरेंड है, वो भी मैंने स्टैक पे डाल दिया। अभी जो नेक्स्ट वाला है प्लस ऑपरेटर है, तो ये ऑपरेटर स्कैन हो गया, इसलिए हमें दो पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। अभी जो हम दो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, उसमें से जो पहला पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमारा 3 पॉप हो रहा है स्टैक से, तो 3 बन जाएगा हमारा सेकेंड ऑपरेंड इन द इवैल्यूएशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉप ऑपरेशन पॉप करेगा 2 हमारी स्टैक से, तो वो 2 बन जाएगा हमारा फर्स्ट ऑपरेंड। कौन सा ऑपरेटर स्कैन किया था हमने? एडिशन ऑपरेटर और प्लस ऑपरेटर। सो अब हम यहाँ पे एडिशन करेंगे और जो रिजल्ट होगा वो हमारा पुश बैक होगा फिर से स्टैक पे। तो हमारा 5 आ गया अभी स्टैक पे। तो आगे जाके हमें फिर से स्कैन करना है एक एक कैरेक्टर जो कि हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में अभी बाकी है। तो 5 है हमारा ऑपरेंड, तो चलो वो फिर से स्टैक पे आ गया। अभी 4, वो भी स्टैक पे आ गया। नेक्स्ट वाला ऑपरेंड है माइनस ऑपरेटर, नेक्स्ट वाला कैरेक्टर है माइनस ऑपरेटर, तो चलो फिर से 2 पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो पहला पॉप ऑपरेटर आ गया एज अ सेकेंड ऑपरेंड, देन नेक्स्ट वाला पॉप ऑपरेंड आ गया फर्स्ट ऑपरेंड माइनस जो हमने अभी स्कैन किया था, तो हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे 5 - 4, उसका रिजल्ट आ जाएगा 1, वो हमें पुश बैक करना है ऑन टू द स्टैक। पहले से 5 एज इट इज था स्टैक पे, अभी हमारा जो नया रिजल्ट आया है वो हमने पुश कर दिया स्टैक पे। अभी अगला स्कैन कैरेक्टर जो है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। फिर से 2 पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करके जो कुछ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा वो हमें रिजल्ट दे देगा कि 5 इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन इवेल्युएशन। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन भी खत्म हो गया है, स्टैक भी एम्प्टी है और हमारा रिजल्ट आ गया है 5। चलो और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वहां पे मैंने दिखाने वाली हूँ इनफिक्स एक्सप्रेशन जिसका इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ये हुआ है। तो अभी उस पे ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 कॉलम्स में डिवाइड किया है, स्कैन कैरेक्टर, द ऑपरेशन, स्टैक में क्या क्या डेटा है और उसका इवेल्युएशन हम क्या कर रहे हैं। तो पहला वाला है आ गया कैरेक्टर, वो है आपका ऑपरेंड, तो मैंने वो पुश कर दिया स्टैक पे। अगला वाला भी ऑपरेंड है, वो भी मैंने पुश कर दिया। अभी जो आ रहा है वो है ऑपरेटर। तो चलो 2 पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए रिस्पेक्टिव, उसका ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लिया और जो रिजल्ट आ रहा है वो हमने पुशबैक भी कर लिया स्टैक पे। नेक्स्ट वाला जो कैरेक्टर है वो है ऑपरेंड, अगेन वो हमने स्टैक पे पुश कर लिया। 2 वैसे का वैसे रहा और टॉप ऑफ द स्टैक 6 पुश हो गया। अभी नेक्स्ट वाला जो कैरेक्टर है वो है ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो 2 पॉप ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिए 6। पहला जो पॉप ऑपरेटर ऑपरेंड था वो सेकेंड ऑपरेंड बन गया, फर्स्ट ऑपरेंड था वो सेकेंड ऑपरेंड था, वो जो पॉप हो गया है वो अभी फर्स्ट ऑपरेंड बन गया है, उसका मल्टीप्लीकेशन होकर जो रिजल्ट आने वाला है 12 वो हमने पुश बैक कर दिया। तो नेक्स्ट ऑपरेंड और नेक्स्ट कैरेक्टर हम जो स्कैन कर रहे हैं वो है ऑपरेंड, दैट्स वाई हमने वो पुश कर दिया। नेक्स्ट 2 भी ऑपरेंड है, वो भी हमने पुश कर दिया। पावर ऑपरेटर है इसलिए हमने 2 पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो वो पॉप ऑपरेशन करके हम ऑपरेशन कर रहे हैं 3 to the power 2, उसका रिजल्ट आ गया 9, वो भी हमने पुश बैक कर दिया ऑन टू द स्टैक। बाद में जो आ रहा है वो लास्ट वाला है माइनस ऑपरेटर, यहाँ पे माइनस ऑपरेटर हमने स्कैन कर लिया है, ऑपरेटर है इसलिए हमने दोनों पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए हैं 12 - 9। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो हम पुश बैक कर रहा है ऑन टू द स्टैक। एंड एट द एंड वी हैव डन विद द ऑल कैरेक्टर्स जो कि अवेलेबल थे हमारी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में और उसका रिजल्ट भी आ गया है। अभी सिंगल डेटा अवेलेबल है इन योर स्टैक, एंड अगर वो सिंगल डेटा अवेलेबल है एंड और कोई डेटा और कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है टू स्कैन जो हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कर रहे थे, इसका मतलब है कि हमने ऑल द थिंग्स वी हैव डन मीन्स अभी हमारा इवेल्युएशन हो चुका है एंड जो रिजल्ट है वो हमारा स्टैक में अवेलेबल है। सो दिस 3 विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इवेल्युएशन। थैंक यू डियर फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट और ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।